कभी कभी जब आपके टेस्टिकल में पेन होता होगा तो आपको यही लगता होगा कि कहीं मुझे वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई जिससे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये बीमारी आपके अंदर है या नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वेरिकोसील की बीमारी आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है, और इसकी वजह से आगे जाके अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, या फिर आप सर्जरी करा लेते हैं, तो आगे जाके कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपका स्पर्म काउंट डाउन चला जाता है, या फिर अगर आप सर्जरी कराते हैं तो इसके रीअकरेंस के चांसेस होते हैं, यानी कि वेरिकोसील दोबारा हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो अगर आपके अंदर आ रहे हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, कहीं मुझे वेरिकोसील तो नहीं। तो सबसे पहले अगर आपके टेस्टिकल में पेन है और ये पेन अगर आपका रेडिएट कर रहा है, यानी कि ये अगर पैर की तरफ जा रहा है या ऊपर पेट की तरफ जा रहा है, तो ये वेरिकोसील का सिम्टम है। और सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि ये पेन मैक्सिमम टाइम लेफ्ट साइड में होता है। अगर आपके लेफ्ट अंडकोश में पेन है और ये पेन अगर रेडिएट कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो ये वेरिकोसील का सिम्टम है। अगर हम सेकंड सिम्टम की बात करें, तो जब आप अपने अंडकोश के आसपास हाथ लगाकर टच करते हैं तो वहाँ पर नसों का गुच्छा जैसा फील होता होगा, या फिर ऐसा लगता होगा कि नसें फैल गई हैं, तो ये भी वेरिकोसील का सिम्टम है। ये प्रॉब्लम वेरिकोसील में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिकोसील में आपके वेन्स के अंदर जो वॉल्स होती है वो वीक हो जाती है, और जो खून आपका ऊपर जाता है उसको रोकने के लिए वॉल्स होती है। बट वेरिकोसील में आपके वॉल्स वीक हो गया तो सारा का सारा खून आपके नीचे की तरफ टेस्टिकल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आपको गुच्छे जैसा फील होता है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको हैंगिंग की शिकायत है या आप अपने अंडकोश को देखते हैं ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लटक रहे हैं, तो ये वेरिकोसील के सिम्टम्स है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप स्क्रॉटल सपोर्टर आता है उसको पहन के रखिए, हैंगिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक चीज़ और मैंने देखा है, पेशेंट मुझे बताते हैं जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है कि सर मेरा एक टेस्टिस बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि आपके दोनों टेस्टिस का साइज़ जो है वो अलग अलग है, तो ये वेरिकोसील की वजह से होता है। क्योंकि वेरिकोसील में जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से जिस साइड आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा उस साइड का टेस्टिस आपका छोटा हो जाता है, अब बाकी जो दूसरा टेस्टिस है वो आपका नॉर्मल रहता है। तो इसीलिए अगर आपका एक टेस्टिस बड़ा है एक छोटा है, तो ये वेरिकोसील की वजह से हो सकता है। फिफ्थ सिम्टम ये है कि जब आप चलते हैं या जब आप सोते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता होगा। ऐसा इसलिए होता है कई बार क्योंकि टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है, या फिर आपके टेस्टिस के आसपास गुच्छा जैसा फील होता है, वो जब आप चलते हैं तो टेस्टिस आपके थाइस के साइड टच होते हैं, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं, और ये एक वेरिकोसील के सिम्टम है। अब ये जो पांच सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपको कुछ भी है, एक भी सिम्टम है, तो आप एक बार कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटम टेस्ट करवा लीजिए। अगर टेस्ट में आपका वेरिकोसील आता है तो इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर लीजिए। आप कराने को सर्जरी भी करा सकते हैं, लेकिन सर्जरी का एक नुकसान ये है कि ये चीज़ दोबारा हो जाती है। और कई बार ये भी देखा है मैंने, जो अनमैरिड लोग सर्जरी कराते हैं, आगे जाके जब वो वाइफ को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं तो इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि सर्जरी करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है और आगे जाके फिर उनका फादर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लें जिससे इस चीज़ का सॉल्यूशन परमानेंटली मिल जाए और बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाए। आप होम्योपैथिक मेडिसिंस ले सकते हैं, जिससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि ये बीमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी, एक बार अगर आपने इसका सही से ट्रीटमेंट ले लिया। इसके साथ साथ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है, या आपके पास रिपोर्ट है आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।